मुझे ये बोलने में बहुत ही हेट मिलने वाला है, बट हाँ, ईवी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, नॉट जस्ट सेविंग पर्सपेक्टिव से बट क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से भी एक ये बेटर वैल्यू है। हालांकि इसकी कुछ डाउनसाइड भी है, उसको भी आज हम हाईलाइट करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आपका, जहां पे आज हम बात करेंगे टॉप 5 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट बाय एन ईवी इन 2024 एंड टॉप 5 रीजन व्हाई यू डेफिनेटली शुड। एंड एंड में मैं आपको डिस्काउंट्स और ऑफर्स के बारे में बताऊंगा, सो एंड तक प्लीज बने रहिए। सो सबसे फर्स्ट रीजन है टू नॉट बाय एन ईवी इन 2024, आपका ड्राइविंग ज्यादा नहीं है। एंड बाय दैट मीन्स आप यूजुअली 30 से 40 किलोमीटर से ज्यादा आप डेली नहीं चलाते, तो शायद ईवी आपके लिए एक बेनिफिशियल ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज देन आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे ईवीज लेने में, वो शायद आप रिकवर नहीं कर पाओगे। एंड ईवीज यूजुअली अराउंड 30-40% ज्यादा महंगे रहते हैं उसके आईस काउंटर पार्ट से। सो हाँ, यदि आपका डेली ड्राइविंग ज्यादा नहीं है तो आप इसे अवॉइड कीजिए। फिर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, यदि आप हाईवे पे ज्यादा और सिटी पे गाड़ी कम चलाते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी यदि फ्रीक्वेंट हाईवे रन्स होते हैं जो कि अराउंड 200 से ज्यादा किलोमीटर के हो, तो आप इसे अवॉइड कीजिए। मैं चार्जिंग फैसिलिटी को लेकर यह पॉइंट नहीं रख रहा हूं, यस चार्जिंग फैसिलिटी कंसर्न है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट हाँ, यदि आप हाईवे पे ज्यादा रन करते हो तो बैटरी इफिशियंसी इतनी नहीं मिलेगी, बिकॉज जैसे ही स्पीड बढ़ेगी वैसे ही ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। एंड इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर एक जनरेटर समान भी काम करता है जब आप स्लो डाउन या फिर ब्रेक करते हो, एंड हाईवे पे हम ये यूजुअली इतना नहीं करते, एंड इसकी वजह से बैटरी ज्यादा इफिशियंट नहीं हो पाती, रीजन नहीं मिल पाता, एंड आपको जो इफिशियंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको इफेक्टिवली हाईवे पे नहीं मिलती। थर्ड रीजन है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि आपके पास फास्ट डीसी चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि यूजुअली रूरल और हिली एरियाज में नहीं होता, वेल ये कंप्लीट डील ब्रेकर नहीं है, एंड यदि आप स्मार्टली ट्रिप प्लान करो तो शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप भी कर सकते हो, हालांकि रिमोट और हिली एरियाज में ये उतना इफिशियंट नहीं रहेगा। फिलहाल वैसे फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज मेजर रूट्स पे या मेजर हाईवेज पे डेवलप हो रहे हैं और एस्टेब्लिश हो रहे हैं, बट हाँ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मोर वेटिंग टाइम पीरियड एंड इन जनरल बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रहते हैं चार्जर्स, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे टूरिंग करते हो। फोर्थ रीजन है, इफ यू डोंट हैव स्लो एसी फास्ट चार्जिंग इन योर सोसाइटी और हाउस और इन योर ऑफिस और वेयर एवर यू ट्रैवल सो ऑफन। वेल देखिए, फास्ट चार्जिंग महंगा तो है ही, बट फास्ट चार्जिंग से बैटरी भी बहुत जल्दी खराब होती है। एंड यदि आपके पास पार्किंग फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी पार्किंग स्पेस नहीं है, बट यदि आपके पास थोड़ी भी पार्किंग स्पेस है घर के आसपास या सोसाइटी में, तो आप मैन्युफैक्चरर से कह के वो फैसिलिटी घर पे ही लगवा सकते हो। फिफ्थ बड़ा रीजन है रीसेल वैल्यू। यस, रीसेल वैल्यू एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। आई नो मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं 60% बायबैक, वारंटीज ऑन बैटरीज एंड ऑल दैट, बट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है एंड जिस तरीके से प्राइसेस में वेरिएशंस दिख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर एक्सपेक्ट कर पाना शायद ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। बट एनी विच वेज, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ईवी रखने वाले हो तो मोस्टली ये कंसर्न्स नलीफाई हो जाते हैं। वेल देखिए, दिल्ली एनसीआर रीजन में वैसे भी यदि डीजल कार 10 साल से ज्यादा चल चुकी है तो उसे कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, एंड क्या पता ये जो टाइमलाइन है जो 10 साल वाला वो और कम हो सकता है। सो यस, रीसेल वैल्यू एक कंसर्न रहेगा, बट यदि आप ज्यादा किलोमीटर क्लॉक करके लॉन्ग टर्म ईवी को रख के उसे जस्टिफाई कर सकते हो, देन देयर इज नथिंग लाइक इट। वेल ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट ईवीज ना लेने के पीछे, बट क्या रीजन है यदि आप ईवी जेन्युइनली कंसिडर करना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्वालिटेटिवली और फंक्शनली भी ईवी एक अच्छा ऑप्शन है। सो सबसे पहला रीजन है कि आपको ईवी क्यों कंसीडर करना चाहिए, फॉर मी इज लाइक बेस्ट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। यस, आप ईवी को आईस ऑटोमेटिक से कंपेयर करोगे तो प्राइसेस में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, एंड जब आप ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की बात करो तो आपको सबसे बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है ईवी में, जो कि एएमटी और अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज्यादा स्मूथ और रिलायबल भी है। सो हाँ, यदि आप सिटी में ज्यादा चलाने वाले हो तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। सेकंड है परफॉर्मेंस। मुझे पता है जो प्योर पेट्रोल हेड्स है वो मेरे अगेंस्ट जाएंगे और शायद से मेरे इस पॉइंट के खिलाफ भी हो सकते हैं, बट हाँ, मानिए मेरी बात को, ईवीज यूजुअली बहुत फन टू ड्राइव रहता है, एंड इसका जो टॉर्क रश फील करोगे आप जैसे ही एक्सीलरेट करोगे वो बहुत ही ज्यादा मजा देता है सिटी में ईवी चलाने के लिए। एंड हाँ, यदि आप फास्ट ओवरटेक्स करना चाहोगे तो ये भी काफी हेल्पफुल हो जाता है बाय द वे। थर्ड है ऑफ कोर्स सेविंग। मेरे पास कुछ समय तक के लिए टाटा टियागो ईवी थी, एंड सिटी में काफी स्ट्रेस फ्री ड्राइव रहा है मेरा, साइलेंट कैबिन, ब्रेकिंग काफी फ्रीक्वेंट होती थी, रीजन से बैटरी भी चार्ज होती थी, एंड स्लो ड्राइविंग में रेंज भी ड्रास्टिकली नहीं कटती थी, एंड होम चार्जिंग की वजह से रनिंग कॉस्ट भी अराउंड 1 रुपीज तक हो जाता है। एंड बोनस पॉइंट ये है कि इसमें कंपैरेटिवली लेस फ्रिक्शनल पार्ट्स होने की वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होता है। टैक्सेस अभी
अभी कम है, 5% जीएसटी सब्सिडीज भी मिल जाती है एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस में भी काफी छूट मिल रही है। सो हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से काफी पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से आप एंड यूजर को थोड़ी मदद मिलती है। बट हाँ, सूनर और लेटर जो ये टैक्सेस है, ये जो सब्सिडीज है, वो बढ़ने ही वाले है। बट हाँ, फिलहाल हाइब्रिड कार्स की भी सेल्स बढ़ रहे हैं एंड थोड़ी ग्लोबल लेवल पे ईवीज को लेकर टेंशन चल रही है एंड जो कि टाइम के साथ हमें क्लैरिफाई हो ही जाएगा। बट हाँ, ओईएम्स काफी अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं ईवीज में, गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रहा है, सो ईवीज आर देयर टू स्टे फॉर लॉन्ग रन। बट हाँ, जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा, जो भी वेरिएशन आएगा, वो ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करेंगे। एंड बाय द वे, इन जनरल आपको क्या लगता है ईवीज के बारे में, हमें वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, गवर्नमेंट के पुश को लेके, ओईएम्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट को लेके एंड इन जनरल आपके यूज केस के लेके। एंड जो लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिलहाल अभी 2024 में, वो है प्राइस कट्स एंड डिस्काउंट्स को लेके। एंड अभी वैसे भी ग्रीन व्हीकल खरीदने पे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, सो हाँ, एक ये अच्छा टेम्पटिंग टाइम है बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल, टाटा पंच ईवी, जो कि बहुत अच्छी ईवी है, जो कि एक्टिव ब्लेस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, उसमें भी अराउंड 1.2 लाख तक का फायदा होगा। उन्होंने प्राइसेस अराउंड 1 लाख तक डायरेक्ट कम कर दिए हैं एंड अभी अराउंड 20 से लेके 30,000 का जो डिस्काउंट है वो भी चल रहा है डीलरशिप लेवल पे। एंड यदि आप फुल कैश में लेते हो तो आप ये डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स, जब आप शोरूम में जाओगे तो आप नेगोशिएट कीजिए। सो अभी इन्वेंटरीज बहुत सारे पाइल्ड अप है एंड उनको वो इन्वेंटरीज भी जल्द से जल्द खत्म करनी है एंड अभी ईयर एंड भी आ रहा है, सो उन्हें अपने सेल्स टारगेट भी अचीव करना है। सो यदि आप डीलरशिप पे जाके अच्छे से नेगोशिएट करोगे तो शायद ये एक अच्छा समय बन पाएगा आपको गाड़ी लेने में। फिलहाल एमजी कॉमेट से लेके बड़ी मर्क EQS SUV तक गाड़ी अवेलेबल है, 17 से 18 किलोवाट आवर्स की स्मॉल बैटरी पैक से लेके 110 किलोवाट तक की बड़ी बैटरी पैक ऑप्शन भी अवेलेबल है। टाटा नेक्सॉन ईवी में भी एक बड़ा 45 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन आ गया है एंड जिसकी प्राइसेस अराउंड 40 लाख से स्टार्ट होती है। एमजी ने भी रिसेंटली विंसर ईवी लॉन्च कर दी, उसका रिव्यू आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हो, वो भी काफी टेम्पटिंग अच्छा ऑप्शन है। उसमें बैटरी एज अ सर्विस का भी एक नया इनिशिएटिव लाया है, जिससे आप जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ईवी का वो भी कम हो जाता है। महिंद्रा XUV 400 भी अच्छी गाड़ी है, हालांकि उसमें जो बैटरी केमिस्ट्री है वो NMC बैटरी केमिस्ट्री है, जो कि थोड़ी लेस सोफिस्टिकेटेड है एंड पुरानी है। छोटी टाटा टियागो, कॉमेट एंड देन प्रीमियम सेगमेंट में आयोनिक 5, EV6, E-Max से लेके टॉप एंड में EQS e-trons भी मार्केट में है। सो आप अपने यूज केस के हिसाब से सोच समझ के टेस्ट ड्राइव करके आप अपना परचेस कीजिए। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूछा था, मैं वापस से पूछता हूं, आपको क्या लगता है ईवी इकोसिस्टम के बारे में फिलहाल जो चल रहा है इंडिया में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। एंड यदि आपके पास ईवी है या आपने ईवी खरीदी है तो कैसा रहा है आपका ईवी का ओनरशिप, वो भी हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। एंड यदि आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ट्रैकिंग ऑटो को। तब तक के लिए ड्राइव एंड राइड सेफ।